जी भाई, यहाँ पर कोई कोयले वाली दुकान है, चूल्हों वाली? नहीं भाई, यहाँ पे तो बस सिग्नल है, आ जाओ मेरे साथ खड़े होके भीख मांगो। बस कर, भीख मांगो, भीख मांगने आया हूँ ना मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली ईद गुजरी है, तो ईद पे हम लोग यार बीबीक्यू करते हैं, टिक्के वगैरह बनाते हैं, कबाब वगैरह बनाते हैं, काफी मजा आता है। तो अभी यार मैं इसीलिए कोयले वगैरह लेने आया हुआ था, चूल्हा वगैरह लेने आया हुआ था, ताकि हम लोग भी बीबीक्यू कर सकें। बट यहाँ पर मुझे कोई दुकान ही नहीं मिल रही, तो फायदा क्या हुआ यार। चलो भाई, ये सामने मुझे एक दुकान नजर तो आ रही है, और ये देखो ये एक दुकान है। चलो जल्दी से गाड़ी मोड़ते हैं और यहाँ पर इस दुकान के अंदर ले जाते हैं गाड़ी को। यहाँ पर तो सारी डस्टबिन ही पड़ी हुई हैं। और बारबेक्यू का सामान ले लो। जी, बारबेक्यू का ही सामान चाहिए भाई। ये चूल्हा किस तरह, ये वाला बड़ा वाला चूल्हा? ये चूल्हा आपको मिल जाएगा 14,000 रुपए का। अच्छा, 14,000 का, सही। ये एक चूल्हा कर दें, ठीक है, सही कर दिया, पैक कर दूं? हाँ, पैक कर दें। और ये जो सामने एक पड़ी हुई है कढ़ाई ब्लैक कलर की, ये कितने की है? ये मिल जाएगी आपको 4,000 रुपए की। अच्छा, 4,000 की। चलें, एक ये कढ़ाई भी कर दें और एक चूल्हा भी कर दें, ठीक है, 18,000 हो गए टोटल। हाँ, तो ये आप गाड़ी में लोड कर दें, मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं डिग्गी खोल देता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, आप ले आए सामान। चलो यार, शुक्र है सामान तो मिल गया, मुझे लग रहा था सामान ही नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी बात हो गई यार, सामान मिल गया। अभी गाड़ी की डिग्गी के अंदर सामान लोड कर लेते हैं यार। लैंड क्रूजर है तो इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है, तो अभी जल्दी से इसके अंदर सामान लोड करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं यार घर। भाई, इससे गाड़ी को तो कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह फायदा पहुंचेगा, आराम आएगा गाड़ी को। फायदा पहुंचेगा, बकवास नहीं करो। ये दरवाजा क्यों नहीं बंद हो रहा है इसका? हट के बंद करो ना भाई, आप दरवाजे के आगे खड़े हो, दरवाजा बंद कर रहे हो। अच्छा, और ये डिग्गी बंद कर दूं या खुली रहे? बंद कर दे अगर होती है तो, नहीं होती तो खुली भी चलेगी। यार, ये डिग्गी बंद नहीं करते, कोई मसला ना हो जाए कहीं, है? हाँ ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसे ही कर ले भाई। हाँ चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, आते जाते रहना दुकान पे। जी, आते जाते रहना, सामान लेने, कोई कोयला लेना हो, सिरका लेना हो। जी, ठीक हो गया भाई, आ जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह। चलो यार, अब जल्दी से निकलते हैं, गाड़ी की डिग्गी खुली छोड़ दी, अब जल्दी से घर पहुंचता हूं और जिमी लोगों को बताता हूं खुशी की खबर कि उनके लिए मैंने बीबीक्यू का सामान लिया है, ताकि अगली ईद पे भी यही सामान वैसे चलेगा तो नहीं, जिमी लोग जैसा काम करते हैं ना, ये इसी ईद पे ही खत्म हो जाना। डिग्गी बंद करो, डिग्गी बंद करो। और नहीं भाई, खुली रहने दो, डिग्गी बंद करो, डिग्गी बंद करो। चलो भाई, सारा सामान मैंने रख दिया। आप लोग सोच रहे हो यार, इतनी नई गाड़ी में इतना गंदा सामान लेके जा रहा है तू, तुझे शर्म नहीं आती? यार, गाड़ियां तो होती इसीलिए हैं, इस्तेमाल करने की चीज़ है, इस्तेमाल करो। ये सोचते रहोगे अच्छी चीज़ है गाड़ी में, अच्छी चीज़ रखूँ ना रखूँ, गंदी चीज़ है ये वो, तो फिर काम नहीं होता ऐसे ज़िंदगी में ना, तुम चल नहीं सकोगे, ठीक है? अगर ज़िंदगी में चलना है ना, ये चीज़ों को भूल जाओ यार, चीज़ें तो आनी जानी है, आज हैं कल नहीं है, ठीक है? ये मैं किसी को बेच दूंगा नहीं करके, ठीक है? चलो अभी जल्दी से चलते हैं यार घर। और ये सामने देखो, बंदे यकदम सामने से आ जाते हैं, फिर डर लगता है मुझे यार एक्सीडेंट का, मैं भरी जवानी में मर जाऊंगा। आप लोगों को तो पता है कितना जवान हूँ, अभी मेरी एज जो है 20 साल हो चुकी होगी। तो चलो अभी जल्दी से घर चलता हूँ। ये सामने आ गया हमारा ब्यूटीफुल हाउस, आप लोग देख ही रहे हो। और बाकी यार, जिमी लोग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं। जिमी को कहूँगा सामान उतारने आ जाए। जिमी, जिमी बेटा, बेटा ये क्या कर रहा है यहाँ पर मनहूस, क्या कर रहा है बेटा? पापा, जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, दिमाग ना खाए। क्यों दिमाग ना खाऊं है? ऊपर उठ, ऊपर उठ तू। जोर के मार के बच्चे दिमाग खा रहे हैं। दिमाग क्या खा रहे हैं? बकवास कर रहा है तू, आगे से बाप के आगे से भौंक रहा है। पापा, मैंने क्या भौंका था? एक तो आप हमें फिरने टूरने लेके नहीं जाते थे। लेके नहीं जाते थे, चुप कर, दिमाग खराब कर दिया। एक मैं इसके लिए अच्छी चीज लाया हूँ, मैं इसको बताने आ रहा हूँ, आगे से बकवास कर रहा है। वामा, वामा। अब भोगता रहे यार, मैं तो अंदर जा रहा हूँ, दिमाग खराब कर रहा है। कहाँ पर है अमेंडा? अमेंडा को बताता हूँ खुशी की खबर। अमेंडा जी, क्या हुए, क्या मसले, क्यों गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब लोगों को ऐसे गुस्सा आया वेला। पापा, हमसे बात ना करें, हमको कहीं आप लेके नहीं जाते घूमने फिरने? आप चुप करो बेटा, ठीक है ना, दिमाग नहीं खाओ मेरा। हाँ ठीक है, सारे आपका दिमाग खाते हैं, तो फिर आप जाएं चले, बात नहीं करें हमसे फिर। मैं सामान लाया हूँ बीबीक्यू का तुम्हारे लिए भाई, बीबीक्यू करोगे, टिक्के बनाओगे, कबाब बनाओगे, और तुम लोग मेरे से आगे से गुस्से से बात कर रहे हो। अच्छा, बता के जाना था ना, फिर हम आपसे अच्छे से बात करते। बताता हूँ, मुझे जोर की लात मारी है, सिर में दर्द हो रहा है, जोर के मुक्के भी मारे। दरवाजा मामा, मामा इतने जोर जोर से मार रहे थे, वैसे छीते हुए होते हैं। मामा, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया इसको देखिए ना, क्यों मारे आपने माइकल, बताएं मुझे। मैंने बस वो गुस्से में मार दिए दो। गुस्सा बहुत आपको चढ़ते हैं, तुम लोग सारे गुस्से में बैठे हुए हैं और मुझे गुस्सा ना आए।
अच्छा गुस्सा आता है ना आपका, गुस्सा मैं उतार ही दूंगी। अच्छा गुस्सा आते और थपेड़े मारे मुझे सिर पे, दिमाग चांट। फिर से तेरा वही ड्रामा है, दिमाग चांट लगा हुआ, इसी वजह से पहले तुझे मैंने मारा है, समझ नहीं आती तुझे? बहुत छिते हुए में फिर मारे आप उसको। तुम तो चुप करो ठीक है ना, ज्यादा क्या बदमाशी चढ़ी हुई आपको, समझा हुआ क्या है आपने मुझे? नहीं बोलो अमांडा ठीक है ना, ज्यादा बदमाशी नहीं दिखाओ ठीक है। बदमाशी दिखाई की तरह अभी आपको मैं बताती कैसे बदमाशी दिखाई, मारेंगे चले आराम चले, मजा आया ना बाबा को, और मारे और मारे बच्चे नाच रहे हैं अभी। रुको आज मैं छोड़ती तो नहीं हूँ इसको, इधर आओ तुम। इनके लिए मैं सामान लेके आया हूँ, पागल हो गई है यार, इसको पता नहीं कौन से कुत्ते ने काट दिया, मैं निकलता हूँ यार। इधर आओ तुम, कुत्ते ने काटे मुझे। तौबा यार पता नहीं क्या तमाशा बना दिया इसने, मैं सोच रहा था इनके लिए सामान लेके आऊँ, क्या मार दिया मैंने उस बेईमान को, तो क्या हो गया है। चलो शाबाश अमांडा, चलो जल्दी से शाबाश साइड बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का। जिनकी बच्ची है शोर डाल के आ रही है मेरे पीछे, सारे मोहल्ले वाले आ गए हैं भाई, क्या हो रहा है, एक शोर बीवी से पिट रहा है ये देखने आ गए। मुक्का बड़े जोर का मारा है, हाथ बड़ा सख्त है, मर्दाना हाथ है इसका, कसम से इतने जोर का मारा है मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है, मैं जल्दी से भागा हूँ, मैं पता है तुम्हें औरतों में हाथ नहीं उठाता, मैं अभी उठाने वाला था लेकिन इसने पहले उठा दिया यार, मैं तो डर गया हूँ यार, जान निकल गई मेरी। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ यार फ्रैंकलिन के घर, उसे कहता हूँ यार कुछ खाना दे दे, और अपने ड्राइवर भाई के घर चला जाता हूँ, या तो फ्रैंकलिन तो इसी का भाई है मनहूस, इसी की तरह चुड़ैल का बच्चा है, वो भी जिन का बच्चा है ठीक है, तो मैं इन दोनों के घर तो जाने वाला नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी से जाता हूँ यार ड्राइवर के घर, मेरे प्यारे भाई के घर, अब वही आखिरी सहारा बचा है मेरे लिए, उसी के घर जाके बीबी क्यों करते हैं और बाकी सब काम देखेंगे। ये तो अमांडा ने जो किया है ना मैं भूलूंगा नहीं, इसका बदला लूंगा मैं, चमाटे मारूंगा, देखना इसके भाई को भी, वो जो काला फ्रैंकलिन है उसको भी, साले साहब को भी ठीक है, और मैं देखना करूंगा क्या इन लोगों के साथ, बहुत हो गया यार, मैं गाँव जा रहा हूँ, अपने भाई के पास रहूँगा, मुझे रहना ही नहीं है इनके साथ बेईमान, उसको भी मैं ठीक करता हूँ, जिमी साहब को भी, वो जो खुश हो रहा था ना और मारे बाप को मार गिलवा के इसको मजा आ रहा था हैं। छोड़ो यार दिल टूट गया मेरा, छोड़ो यार, गांव की हवा भी कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। असर की नमाज का टाइम हो गया और मैं गांव के अंदर पहुंच गया हूं, पर मुझे वो दर्द नहीं भूल रहा जो मुझे अमांडा ने दिया है, क्योंकि मेरे जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अमांडा ने इतने ज़ोर का मुक्का मारा था ना, कसम से क्या बोलूँ, अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं नीचे जाके ज़रा गाड़ी को धो लेता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे शीशे सारे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं और गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जम गई है। ये सामने एक खूबसूरत सी नहर है, तो इसके अंदर से मैं गाड़ी धो लेता हूँ और नीचे उतरता हूँ। यार गाड़ी को अंदर से धोने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू कार है, तो आप लोगों को पता है अंदर से धोने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, तो बाहर से इसको जल्दी जल्दी से धोते हैं, इसके शीशे वगैरह ही गंदे हैं, वैसे तो इतनी ज़्यादा ये गंदी है ही नहीं, तो जल्दी से शीशे धोता हूँ और उसके बाद चलते हैं भाई ट्रेवर भाई के घर। चलो भाई गाड़ी तो हमने धो ली है, अभी जल्दी से निकलते हैं गाइस, और ये क्या दिखा रहा हूँ मैं गाइस आप लोगों, शर्म करें गाइस, जल्दी से मैं उठता हूँ भाई, गाड़ी तो मैंने धो ली, अब निकलते हैं बस जल्दी से गाड़ी में बैठ के, और बाकी आप लोग देखो गाड़ी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, बट कोई नहीं यार, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और बाहर निकलते हैं। ओए होए होए गाड़ी की शाइन देखो मैंने कितनी ज़बरदस्त साफ़ कर दी है गाइस। तो ड्राइवर का घर थोड़ा सा दूर ही है, तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं अपने भाई के पास, क्योंकि भाई ही काम आता है दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर, ठीक है, मैं कह रहा था साला काम आता है, उसे मैंने कॉल किया, वो आगे से कह रहा है भाई अमांडा वाजी को तूने क्या कहा है, अमांडा वाजी को तूने क्या कहा, मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कॉल ही बंद कर दी, मैंने कहा मैं शुरू हो जाएगा वेली सुनने का, मेरे पास टाइम नहीं है ठीक है, बकवास सुनाता रहेगा मुझे ठीक है, तो अभी मैं अपने भाई के घर जाता हूँ, मेरे प्यारे भाई ड्राइवर के घर, अब ये ना हो वो भी आगे से घर पे ताली लगा के निकला हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, फिर मुझे गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ेगा। चलो यार ड्राइवर का घर मेरा ख्याल है इसी तरफ ही है, क्योंकि यार इतने दिनों से भाई के घर आया नहीं था, अभी मतलब पड़ा है तो जल्दी से जाना पड़ेगा भाई के घर। आप लोग भी ऐसे करते हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है यार, भाई को सपोर्ट करना चाहिए, भाई को जाके बारबेक्यू का सामान देना चाहिए, मुझे पता है वो पहले से ही कर रहा होगा बारबेक्यू, लेकिन कोई बात नहीं यार, अपना भाई अब इतना तो एहसास करना चाहिए ना हमें। ये सामने फर्स्ट वाली गली जाती है उसके घर को, बड़ी गली है भाई, अमीर बंदा आजकल क्या कह सकते हैं, अमीर ही बहुत हो चुकी है उसके पास, हम तो गरीब हैं भाई। यार मैं शोरूम की लैंड क्रूजर चला रहा हूँ, आप लोगों को पता है जो मेरी लैंड क्रूजर थी वो तो जिमी जलील ने ठोक दी थी, आप लोगों को पता है यार ये जिमी है, जो इसकी अम्मी है, इसके मामू है फ्रैंकलिन काला हबशी साले साहब, तो वो यही करते रहते हैं हर वक्त, उन्होंने मेरा नुकसान ही किया सबने मिलके, कभी मेरा फ़ायदा नहीं सोचा, और ये ट्रेवर का घर है ना, कितना खूबसूरत हो गया यार इसका घर। चलो यार मैं इसके गैरेज के अंदर गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, बल्कि बाहर ही खड़ी कर देता हूँ। सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बड़े तिक्के शिक्के बनाए जा रहे हैं, बड़ी कढ़ाइयाँ। हाँ पीछे हट, पीछे हट, जरा पीछे रह। हाँ हाँ पीछे क्यों रहूँ, आग लग जाएगी ना तुझे। अच्छा अच्छा आग लग जाएगी, सही सही। मैं आया था आपसे ईद मिलने के लिए यार। नहीं कोई जरूरत नहीं है, वापस जा ठीक है, साले से ईद मिल ले ठीक है, जा। दस दिनों बाद को ना ईद मिलने बेटे,
और आप ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बुड्ढे को किधर बुलाया तूने? हैं बुड्ढे जी, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बीते मैं यहाँ पे नहाने आया था, संडे का गोश्त लेने आया था इससे। संडे का गोश्त लेने आपने हिस्सा डाला था? नहीं नहीं बीते, वो त्रेवर ने कहा है आपका हिस्सा वैसे ही मैं दे दूंगा। वैसे ही दे दूंगा, पैसे देते नहीं है, बस लूट रहे हैं मेरे भाई को। ट्रेवर ये तुझे लूट रहा है, बता रहा हूँ बुड्ढा। जो लूट रहा है मैं देख लूंगा, तू छोड़, तू किस काम के लिए आया? मैं किस काम के लिए? ईद मिलने आया हूँ, बता रहा हूँ। भाई से ईद मिलने नहीं आ सकता? आ सकता है, पर पहले कभी ईद मिलने आया नहीं है ना, तो इसलिए ताज्जुब हो रहा है मुझे जरा। अच्छा सच सच बताऊँ? हैं? हाँ क्या? ये हुआ मेरे साथ ना, वो मुझे अमेंडा ने मारा है और मैं घर से भाग गया हूँ। औरत से मार खा क्या रहा? शर्म कर भी, शर्म तो औरत को बंदा मारे आगे से। बदमाशियाँ दिखा है औरत को? दिखा दिखा, क्या कर सकता है बंदा यार। मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन चल आप मेरे पास बैठ जा। अभी क्या हुआ, घर नहीं जाने दे रही क्या? हाँ घर नहीं जाने दे रही, घर जाऊंगा बहुत मारेगी मुझे। पीछे पीछे आ रही थी गाड़ी से, उठाम करके गिरी है फिर मेरे पीछे आ रही थी, अभी और मारेगी मैं बता रहा हूँ। अब बारबेक्यू का सामान मैं लाया हूँ, मैंने कहा अपने भाई के लिए बारबेक्यू का सामान ले जाते हैं, उसके साथ बारबेक्यू करेंगे, ठीक है? हाँ मतलब बड़ा तो बारबेक्यू का सामान भी लिया है। नहीं मतलब की कौन सी बात है यार, मतलब की कौन सी बात है, मैं तुझे बताऊँ। ये देख माशाल्लाह बड़ी प्यारी अंगीठी है। हाँ बहुत जबरदस्त सामान लाया मैंने तुम्हारे लिए। मैंने कहा यार ये चूल्हे पे बनाएंगे, ये मिट्टी के सामान में अच्छा नहीं लग रहा, बारबेक्यू करेंगे। हाँ नीचा दिखा मुझे, ठीक है? नहीं यार बड़ा घर शर बनवाया है, अमीर हो गए है। हाँ अमीर हो गए हैं इसीलिए अंगीठी नहीं खरीदी यार, पैसे खर्च करनी है ज्यादा। अच्छा चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ। हाँ मेरे घर में ही मुझे ऊपर लेके जा रहा है। अच्छा अच्छा तू ले जा यार, घर तो बहुत प्यारा बनवाया है, मुझे घर तो दिखा यार। अच्छा आप दिखा घर क्या क्या बनाया है नया। ओए ये देखो, ओए जिम का सामान इधर रखा है मैंने, वो देखो ये बीबीक्यू के लिए मैंने रखा है इधर बाहर बैठ के। भाई हर जगह बीबीक्यू करेगा तू है? ओ भाई बस अमीर लोग हैं तुझे पता है। और ये देख ये असलहा वगैरह पड़ा है। असलहा वगैरह? अच्छा असला वगैरह रखा है। और ये पत्थर कहाँ से लाए? ये तो बड़े महंगे पत्थर लग रहे हैं यार। ये बस पहाड़ों से उठा के लाया हूँ, ट्रकों में डाल। अच्छा अच्छा ये सारे पहाड़ों से लाया है पत्थर? हाँ। छतरियाँ लगाई हुई हैं, मतलब फुल शादी का प्रोग्राम है तेरा है क्या? मतलब फुल शादी का प्रोग्राम है तेरा है? हाँ फुल शादी का प्रोग्राम है। अभी तो ऊपर वाला हाल देख, इधर आ रहा हूँ आ रहा हूँ। देख दूरबीन लगा रखती है, यहाँ से बच्चियाँ देखता हूँ। शर्म कर ले, बाबे को बताऊंगा मैं तेरा, वो तेरा ससुर जाके यार। बच्चियां मेरी बच्चियां यानी जो छोटी बच्चियां होती हैं वो वाली। अच्छा, गंदी बात समझ रहा है तू, हर चीज को गंदी साइड पे ले जाता है। ओए होए होए बेडरूम इतना बड़ा टीवी लगा रखा है, इधर ऊपर तो आ जा। आ रहा हूं आ रहा हूं यार, घर तो काफी प्यारा है कसम से। मुझे बेड 10 लाख का है, 10 लाख का यार। अब थोड़ा ज्यादा हो गया मेरा ख्याल है। ज्यादा तो हो गया, पता चल जाता है तुझे ज्यादा हो गया। हाँ बड़ी महंगी महंगी चीजें लाई हैं कसम से। भाई को नीचा दिखाने के लिए बुलाया है यहाँ पे? नहीं नहीं भाई को मैंने कहाँ बुलाया, खुद ही आ गया तू। बच्चे देख ले मैं भी एक बड़ा घर खरीदूंगा। हाँ पहले तो भागता रहे मेरे बड़े घर में। बच्चे तेरा घर देख रहा हूँ मैं, कोई चीज उठाने की सोच रहा हूँ यहाँ से। उठा तू, मैं तेरा मुंह ना लाल कर दूं। ऐसे नहीं कर यार, बच्चे दोस्त नहीं है, दोस्त भाई है। और ये किसकी कॉल आ रही है, ये किसकी कॉल आ रही है? फ्रैंकलिन मिस कॉलें दे रहा था, चलो इसको मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ स्पीकर पे रखी। हाँ स्पीकर पे, स्पीकर पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। क्यों कॉल कर रहा है? क्या बदमाशी की है मैंने? मेरी बहन को मार के आया, तू थप्पड़ मार रहा है तूने उसे? ओ बस कर, उसने मुझे मारा, मुंह मेरा तोड़ दिया उसने। बेटा मेरे ना सर पे खून सवार है। हाँ जी वो नवासी ना करे, हम मारे हैं मामू के चाहते वस्तोले लेके। टीटी में 6 गोलियां लोड करके लाऊंगा, 3 तेरे भेजे में उतारूंगा, 3 तेरे भाई के भेजे में उतारूंगा। चल ठीक है आ जा, उधर ही छुपा ना तू, बता मुझे सच्चा लोकेशन बता। हाँ उधर ही छुपाऊं। मैं AK-47 तैयार रखता हूँ और एक नहीं 4-4, ठीक है? दोनों दो दो उठाएंगे और छली छली कर, और हम दोनों मुजाहिल लेके आएंगे। मुजाहिल आपके सीधे घर पे मारेंगे और बर्बाद कर देंगे। मिसाइल जैसी तेरी अपनी टिंड है, और तेरे पास मिसाइल नहीं है, मोटे गंजे ऐसा मारूंगा ना, याद रखेगा। और तू तो आना गंजे, तुझे तो मैं ठीक करता हूँ। बस बेटा बस, ठीक करने ही आ रहा तुम लोगों को, तू रुक बेटा वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। 6 गोलियां डाल के लाएंगे और 3-3 गोलियां बराबर और डालेंगे। चलो ठीक है, एक एक के सर में डालूंगा। आओ हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? आ रहे हैं बस। अच्छा इस वजह से आया, साला दुश्मन हो गया तेरा। साला दुश्मन नहीं हुआ यार, वो मैंने पता क्या हुआ, पहले जिमी को मैंने मारा है, अमेंडा बीच में आ रही है, अमेंडा कह रही है ना मारो उसे। मैंने अमेंडा को कहा अमेंडा चुप कर जाओ, अमेंडा ने आगे रख के मुझे मुक्का मारा, फिर मैं क्या करूं यार, मैं इधर आ गया हूं छुप के। तेरी इज्जत पता चल गई है तेरे घर में बहुत। फिर अमेंडा के भाई फ्रैंकलिन साहब को गुस्सा आ रहा है अभी, वो कह रहे हैं क्यों तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, मेरे भांजे को मारा है, मैं तो मारूंगा। मेरा आंधे इधर चला दूंगा उसको, गाड़ दूंगा साले को। देखते हैं ना, आ जाए यार, कहीं सच में ना आ जाए। यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। बारबेक्यू लाना जरा बना के यार, तिक्के शिक्के। मैं बताऊं तुझे, वो आने वाला नहीं है, वो डरपोक आदमी है, बातें ही मार सकता है सिर्फ। हाँ अच्छा ऊपर से घर दिखाना, बाकी घर तो दिखाया ही नहीं तूने। तू देख
देख ले खुद, मैं इधर ही खड़ा हूँ। चलो ठीक है, मैं यार देख लेता हूँ। ओए होए किचन कितना खूबसूरत यार, इसकी शादी होने वाली है। चलो तो अच्छा खूबसूरत घर बना लिया इसने यार। आप लोग जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर करवाओ यार, कसम से 100 के पे हमने इसकी शादी सोची हुई है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराओ और बाकी बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो। और ये देखो इसने बारिश के अंदर ये LCD वगैरह ऊपर लगा के रखी है, पागल आदमी है। और ये स्टैचू वगैरह बनाए हुए हैं बड़े बेशरम से इसने। और ये देखो ये कैसे कैसे स्टैचू रखे हैं बेशरम ने। और ये हेलीपैड बनवाया है इसने, कौन सा हेलीकॉप्टर लाना है भाई, खिलौनों वाला हेलीकॉप्टर चढ़ाएगा ऊपर क्या? अजीब बंदा है यार ये कसम से। बाकी घर बहुत खूबसूरत बनाया है, घड़ी बाहर की तरफ लगाई हुई है। गधे भाई, लोगों को टाइम दिखाना है, घर के अंदर घड़ी लगा, पागल आदमी है अजीब। ओए होए बाकी बहुत खूबसूरत इसने सामान बनाया है। और ये नंगा स्टैचू भी लगाया है यहाँ पे। और ये देखो पानी फाउंटेन वगैरह, बहुत ही खूबसूरत घर है इसका। और यार सामने देखो जो शहर का व्यू दिखता है ना, गांव का मेरा मतलब, शहर तो है नहीं लेकिन चलो यार, इसने फुल शहर वाला मेंशन बना दिया यहाँ पर, कसम से यार। ट्रेवर सलाम है तुझे, अभी नीचे जाता हूँ यार इसे, मैं कहता हूँ इधर ही मुझे रहने दे क्योंकि अमेंडा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और ये देखो इसने अपने घर का नाम और ये कपड़े वगैरह ऊपर रखे हैं, यहाँ पे चेंज करेगा नंगा होके, बेशरम आदमी। शर्म तो इसे आती नहीं है लेकिन खैर क्या कह सकते हैं यार, ये है ही बेशरम बच्चा, बचपन में भी ऐसे ही करता था, ये छतों पर जाके कपड़े चेंज करता था। ट्रेवर आजा अंदर आजा, कैसा लगा घर? घर तो यार बहुत खूबसूरत है तेरा, कसम से दिल लूट लिया यार, दिल जीत लिया। आए मेला लूट लिया जो तूने प्यार किया। ओए ओए घर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा फिर शादी कब कर रहा है? शादी बस जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो इंशाल्लाह शादी खड़का देंगे। 1,00,000 सब्सक्राइबर अभी बहुत दूर है बेटा जी, जल्दी जल्दी लोगों से करवाओ। अब मुझे नहीं पता, ठीक है, फिकर नहीं करते। हाँ तेरे फैंस कर देंगे मुझे पता है। अच्छा अभी तक फ्रैंकलिन आया नहीं है, वही बड़े मारा था मुझे लग रहा है, आएगा नहीं है ना? ओ फड़िया ही मारता है वो, आया अभी तो देख लेंगे साले को। तेरा साला कहाँ से हो गया, वो सिर्फ मेरा साला है, ठीक है ना? हाँ वही तेरे साले को देख लूंगा। हाँ ना देखी यार, बड़ा मनहूस है वो, बड़ा कोज है पर उसकी पैन बड़ी सोनी है। हाँ, और वो मेरी बीवी है, ठीक है ना? और उसी सोनी पैन जुतियां मारी है। जुतियां नहीं मारी, मेरा मुंह तोड़ के रख दिया। अच्छा बीबी क्यों ला, क्या जबरदस्त बीबी क्यों बनाया यार तूने, मजा आ गया। अपने भाई के हाथ में जायका तो होता है ना। हाँ हाँ ये दरवाजा कौन खटका रहा है? बारो बदमाशो बुढ़े हो, यार ये तो फायरिंग भी कर रहा है, कोई बंदा आया दरवाजे खटका रहा है, ये कौन आ गया यार? ड्राइवर ये फ्रैंकलिन आया मुझे नजर आ रहा है, मैं गन पास पड़ी है, मैं जाता हूँ, ऐसे गंदों को हम गन से ही साफ करते हैं। यार नहीं नहीं देख ऐसे ना हो, ये वो तुझे मार के चला जाए यार, ऐसे ना कर यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार।